कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ये विशेष दिन क्यों है, आइए हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। संसार की रचना के समय से ही कार्तिक पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को पवित्र मानने के पीछे एक कारण ये भी है कि इस दिन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य जैसे देवताओं का दिन माना गया है। पुराणों और शास्त्रों की कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाबलशाली राक्षस का संहार किया था। इस कारण इसका महत्व केवल वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शिव भक्तों के लिए भी माना जाता है। इस दिन जो है भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे पर खास तौर पर दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है कि पवित्र नदियों के किनारे जो है दान दक्षिणा भी दिया जाता है। पुराणों में उल्लेख है कार्तिक पूर्णिमा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों को देने वाली का दिन माना जाता है। और स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथ्वी को कार्तिक मास के दिन सर्वगुण सम्पन्न महामाति के रूप में बताया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से मनोकामना सिद्ध होती है। इस दिन भक्त स्नान, दान, हवन, यज्ञ और उपासना करते हैं ताकि उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति हो। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान भी करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारतीय में गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरणी नक्षत्र में गंगा स्नान व पूजन करने से सभी तरह के ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। साल में करीब 16 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन साल की सबसे काली और लंबी अमावस्या की रात कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली के दिन मनाई जाती है। इसके 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है जो संसार में पहले अंधेरे का सर्वनाश करती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान की आराधना सच्चे मन से करने से जो तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं वो दूर होती हैं। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसा श्रद्धापूर्वक माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे साल गंगा मैया आप पर प्रसन्न रहती हैं। इस दिन न केवल गंगा बल्कि अन्य पवित्र नदियों के साथ तीर्थों में स्नान करने की प्रथा है। यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र आदि काशी में भी स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूरा दिन निराहार अर्थात बिना भोजन का रहा जाता है और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए पूरे दिन भगवान का भजन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का भी अपना महत्व है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम lalluram.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए lalluram.com।